अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडी गुरु। गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताया हूँ कि आप अपने मोबाइल के पैनल को कंप्यूटर के पैनल के जैसा किस तरह कर सकते हैं। तो गाइस, आपने सबसे पहले करना क्या है, ये देखें आपके सामने ये बिल्कुल कंप्यूटर का पैनल ओपन हुआ हुआ है, जिस तरह से चाहें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो गाइस, इसको आप इस तरह से चलाने के लिए अभी आपको करना क्या होगा, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना होगा। प्ले स्टोर में जाते ही गाइज आपने यहाँ पे लिखना है रोटेशन स्क्रीन कंट्रोल। गाइज ये लिखना है आपने। ये लिखने के बाद अभी स्क्रॉल डाउन करेंगे, और स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये देखें गाइज, ये वाला इंस्टॉल हुआ है मेरे पास पहले, आपको मैं दोबारा दिखा देता हूँ। ये देखें, ये इंस्टॉल हुआ हुआ है। इस तरह से अभी इसे ओपन करेंगे, ओपन करते ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे ऑटो पे क्लिक करेंगे, मैंने ये किया हुआ है। अब इसको अब मैं आपको एक और तरीका बता देता हूँ, अगर आपको लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ कि आप किस तरह से, ये देखें अभी फेसबुक ओपन करता हूँ। फेसबुक ओपन करते ये देखें, ये डेस्कटॉप साइज़ किया है, बिल्कुल डेस्कटॉप साइज़ है, जिस तरह कंप्यूटर में ओपन होते हैं बिल्कुल वैसे ओपन हुआ हुआ है। ये देखें गाइस, अभी मैं आपको क्रोम चला के दिखा देता हूँ, क्रोम ब्राउज़र, ये भी बिल्कुल वैसा ही होगा। ये देखें गाइस, क्रोम ओपन हो रहा है, ये देखें बिल्कुल जैसे कंप्यूटर में होता है बिल्कुल वैसा इंटरफेस है इसका। मैंने इसको डेस्कटॉप साइज़ भी नहीं किया, क्रोम से डेस्कटॉप साइज़ भी हो जाता है, अगर नहीं करना तो वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये देखें बिल्कुल वैसा है जैसे कंप्यूटर में होता है, अभी आपको दोबारा करके दिखा देता हूँ। ये देखें, मैं यहाँ सर्च करता हूँ, ये देखें बिल्कुल कंप्यूटर में जैसे ओपन होता है वैसे। अभी यहाँ से डेस्कटॉप साइज करता हूँ तो वहाँ से भी आप इसको देख लें, डेस्कटॉप साइज़ ये देखें बिल्कुल कंप्यूटर की तरह ओपन हो रहा है। देखा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि हमारे आने वाले नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे।